हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इससे जो पहले वाला वीडियो था उसको कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपको बता रहा हूँ दोबारा वही फंक्शन, सॉरी टाइप ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था जो आपको सेंड किया था उसमें मैंने बताया था आपको कि नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। दूसरा मैंने बताया था आपको फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। अब तीसरा है आपका फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, मतलब ये इस प्रकार का फंक्शन है कि आपके जब फंक्शन को डिक्लेयर किया जाएगा तो आपका ये आर्ग्यूमेंट भी लेगा और वैल्यू भी क्या करेगा आपका रिटर्न करेगा। तो ये था आपका तीसरा टॉपिक। इसको आप अपने देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे कह क्या होगा आपका, मैं लिखा इंट एस क्यू आर और इंट कॉमा इंट, यह आपका एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो मैंने फंक्शन बनाया है एस क्यू आर वो किस प्रकार का है, इंटीजर प्रकार का, मतलब ये इंटीजर प्रकार का मान आपका रिटर्न करेगा। क्या करेगा, ये इंटीजर प्रकार का मान रिटर्न करेगा और इसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो भी किस प्रकार के हैं आपके, इंटीजर ही प्रकार के हैं। मतलब क्या हो गया, ये आपकी कंडीशन पूरी होगी, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट है इसके अंदर एंड रिटर्न वैल्यू, मतलब ये रिटर्न भी वैल्यू करेगा। क्यों और किस प्रकार का मान रिटर्न करेगा, इंटीजर प्रकार का। तो मैंने आगे इस फंक्शन का प्रोटोटाइप मैंने क्या बताया है, ये इंटीजर प्रकार का है। अब क्या करते हैं अपने इसको प्रोग्राम की सहायता से समझते हैं कि ये किस प्रकार से बनेगा। मैं लिखा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। आपने मैंने दो हेडर फाइल ले ली, आईओ स्ट्रीम डॉट एच और कॉनियो डॉट एच, मैंने हेडर फाइल ले ली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर रहा हूँ। जो मैंने दो बताए थे प्रोग्राम मैंने आपको उससे पहले जो वीडियो में, नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू वाला और फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू वाला, उसमें मैंने फंक्शन को क्या नाम है डिफाइन करते साथ ही मैंने क्या कर दिया था, उसको डिक्लेयर भी कर दिया था। लेकिन मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं इसको डिक्लेयर भी करता हूँ और डिफाइन बाद में करूँगा। तो कैसे करेंगे अपने, मैं लिख दिया यहाँ पर इंट एस क्यू आर एस क्यू आर, इंटीजर क्या है फंक्शन का रिटर्न टाइप है, मतलब ये किस प्रकार का मान रिटर्न करेगा आपका, इंटीजर प्रकार का मान आपका ये रिटर्न कर रहा है। और फंक्शन का नाम क्या है आपका, स्क्वायर है और ये इसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो किस प्रकार का है, इंट एक्स, ये आपका एक आर्ग्यूमेंट मैंने इसमें ले लिया है। या मैं इसमें जब सॉरी मैं इसमें क्या करूँ, अभी पहले मैं एक बार इसको क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर केवल फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसके मैंने क्या लिख दिया, केवल इंट लिख दिया, मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट लगा वो किस प्रकार का आर्ग्यूमेंट लगा, इंटीजर प्रकार का आर्ग्यूमेंट लेगा। मैं इसको डिफाइन बाद में कर रहा हूँ थोड़ा अलग करने के लिए। अब क्या करते हैं अपने, अब लिखते हैं अपने मैन फंक्शन, क्या लिखेंगे मैन फंक्शन। मैं तो मैंने लिखा इंट मैन, ये आपका मैन फंक्शन यहां से स्टार्ट हो गया। अब अपने क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर अपने को वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल पे अपने के जो कितने डिक्लेयर करेंगे, दो, एक तो आपका क्या करेगा, एक आपसे इनपुट लेगा यूजर से और दूसरे में आपका क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। इसलिए अपने क्या करेंगे, दो इंटीजर प्रकार के वेरिएबल अपने इसमें डिक्लेयर करेंगे। मैंने दिया इंट ए, ये आपका ए तो क्या करेगा, इनपुट लेगा यूजर से और दूसरा वेरिएबल करते हैं इसमें लिख दिया मैंने, मान लीजिए एन, इसमें क्या आपका आंसर आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, ए एन एस ले लिया, वेरिएबल का नाम क्या ले लिया मैंने, ए एन एस। अब क्या करते हैं कि अपने वैल्यू इनपुट करते हैं किससे, यूजर के द्वारा। तो मैं लिखता हूं सी आउट एंटर वैल्यू इन ए, ए का मान क्या हो रहा है, ये मैसेज आएगा यूजर के पास में और यूजर क्या देगा, वैल्यू देगा, वो क्या करेगा सी इन फंक्शन आपको ए में स्टोर कर देगा। मैंने मैसेज दिया और इनपुट मैंने ले लिया ए के अंदर। अब क्या करते हैं अपने, अब फंक्शन को
कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करने के बाद क्या जाएगा, अपने आंसर नाम के वेरिएबल में जो आपका ए एन एस वेरिएबल, इसमें क्या करेंगे अपने इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैंने लिखा ए एन एस बराबर क्या है, कौन सा फंक्शन है आपका स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया एस क्यू आर, इसमें क्या दिया जाएगा, इसमें पैरामीटर दिया जाएगा, किस प्रकार का पैरामीटर होगा आपका, वो होगा आपका फॉर्मल प्रकार का, किस प्रकार का होगा आपका, सॉरी एचओ प्रकार का। तो एक मान आपको देना है, भेजना कहाँ भेजेगा, मेन फंक्शन सॉरी स्क्वायर फंक्शन के अंदर ये एक मान भेजा जाएगा। तो मैंने लिख दिया आंस बराबर एस क्यू आर ए, ये हो गया आपका। अब क्या करते हैं अपने, अब अपने इसके अंदर क्या करेंगे कि वैल्यू को सॉरी अब अपने क्या देखेंगे इसमें आंसर भी देखेंगे, तो अपने क्या लिखेंगे सी आउट मैसेज आएगा स्क्वायर एज, किसका स्क्वायर देखना है आपको, ए का देखना है, और किसका मान देखना है आपको, एक मैसेज हो जाता है अपने मान लीजिए एज क्या आएगा आंसर, मतलब आपका जो इस फंक्शन में जो आएगा वो सब कॉपी का होगा आपका आंसर। मैं बताया था आपको असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि लेफ्ट साइड के वेरिएबल का मान सॉरी राइट साइड के वेरिएबल का मान या एक्सप्रेशन का मान लेफ्ट साइड के वेरिएबल में डाल देता है। तो आपके लेफ्ट साइड में एक आंस नाम का वेरिएबल है जिसका जो स्क्वायर फंक्शन का जो मान आएगा वो आपके आंस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और फिर इसके मान को यहाँ पे देख लेंगे और क्या होगा अब लगाएंगे इसके बाद में गेट सी एच और रिटर्न रिटर्न जीरो, और आपका ये मेन फंक्शन यहाँ पे खत्म। अब क्या करेंगे अपने, अब फंक्शन को डिफाइन किया जाएगा, मैंने डिक्लेयर तो यहाँ कर दिया, अब मैं मेन फंक्शन के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा एंट सॉरी एंट एस क्यू आर, मैंने लिख दिया इंट प्रकार का एक वेरिएबल हुआ जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, मान लीजिए एक्स दे दिया, मैंने क्या दे दिया इंट एक्स। ये कौन सा पैरामीटर है आपका, ये फॉर्मल पैरामीटर है, ये आपका यहाँ पे ये आपका था एक्चुअल पैरामीटर, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे इस फंक्शन के अंदर केवल अपने को स्क्वायर कराना है, स्क्वायर में क्या करूंगा कि जब मैं वैल्यू को रिटर्न कर रहा हूँ उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं आपका स्क्वायर करा दे रहा हूँ। मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ रिटर्न रिटर्न बराबर क्या करते हैं मैंने एक्स इंटू एक्स, मतलब जब ये वैल्यू रिटर्न होगी तो क्या होगा एक्स का मान गुणा होकर आपस में कहां से आ जाएगा आंस नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, क्योंकि आंस नाम के वेरिएबल में मैंने स्क्वायर फंक्शन को मैंने क्या किया है कॉल किया है। तो ये आपका फंक्शन यहाँ पे खत्म। तो ये आपका क्या हो गया प्रोग्राम, कौन सा हो गया फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। मैं आपको दोबारा बताता हूँ इस फंक्शन में क्या होगा, इस प्रोग्राम में क्या है कि मैंने एक एसक्यूआर नाम का फंक्शन बनाया है, क्या बनाया है मैंने एसक्यूआर नाम का फंक्शन बनाया है, उस आगे मैंने क्या लिखा है इंट, इंट का मतलब क्या हुआ कि ये इंटीजर प्रकार का मान रिटर्न करेगा, ये इसका रिटर्न टाइप है, ये क्या है इंट क्या है इसका रिटर्न टाइप है, और मैंने इसमें इंट प्रकार का पैरामीटर भी मैं इसमें डिक्लेयर करूंगा। मैंने अभी केवल फंक्शन को यहाँ पर क्या किया है, मैंने अभी फंक्शन को यहाँ पे क्या क्या डिफाइन किया है, मैंने डिक्लेयर नहीं किया, मैंने क्या किया इसको सॉरी मैंने यहाँ पर फंक्शन को क्या किया डिक्लेयर किया डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका फंक्शन आपका यहाँ पे हो गया। अब मैं लिखता हूँ इंट, मैंने मेन फंक्शन लिखा इंट, इसमें मैंने दो वेरिएबल लिए ए और बी सॉरी ए और ए एन एस नाम का वेरिएबल लिया, जो आंसर बोले मैंने आंसर बोल दिया। ए में क्या करेंगे अपने वैल्यू इनपुट कराएंगे यूजर के द्वारा, मैंने दिया एंटर वैल्यू इन ए, जो आपका ए का मान कहाँ आ गया सीन के अंदर आ गया। अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, कॉल किस में कर रहा हूँ आंस नाम के वेरिएबल में, ये आपका ए एन एस नाम का वेरिएबल, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मैंने कहा ए एन एस बराबर एस क्यू आर ब्रैकेट में ए। तो मैंने बताया था आपको कि लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल होता है जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करते हो, और राइट साइड में कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आपका एक फंक्शन है एस क्यू आर, तो क्या करेगा ये असाइनमेंट ऑपरेटर कि इसका मान
आंश ना आपके वेरिएबल में भेज देगा। तो ये आपका क्या होगा, जब फंक्शन कॉल होगा तो ए का मान कहां होगा आपका, एलसीएम पैरामीटर कहां जाएगा आपके फॉरवर्ड पैरामीटर में, क्या जाएगा कॉपी हो जाएगा, मतलब ए का जो मान है आपका कहां जाएगा एक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जो मान आपका जो क्या होगा जब रिटर्न होगा तब आपका आंश नाम के वेरिएबल में वो क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा, और अपने इस वेरिएबल का अपने इसका मान अपने यहाँ पर देख रहे हैं, और गेट चेक कर दिया मैंने, और मैंने क्या कर इसका मान क्या कर दिया रिटर्न कर दिया मैंने जीरो, किसका रिटर्न हुआ जीरो, मेन फंक्शन का मान क्या हुआ है इस फंक्शन में जीरो रिटर्न होगा। अब मैंने फंक्शन को बनाया, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, फंक्शन आपका कौन सा है एस क्यू आर, किस प्रकार का है इंटीजर प्रकार का है, मैंने इसमें पैरामीटर लिया इंट एक्स। अब मैं क्या करूँ केवल इस फंक्शन में वैल्यू को रिटर्न कर रहा हूँ, मैंने क्या लिखा रिटर्न के साथ ही मैंने एक्स का मान क्या कर दिया गुणा कर दिया आपस में एक्स इंटू एक्स। जब ये मान रिटर्न करेगा कहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर आंश नाम के वेरिएबल में, तो ए का मान जो भी यूजर ने दिया है वो गुणा होकर कहाँ जाएगा आपका आंश नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, और यहाँ पर उसका मान आप यहाँ पे देख लोगे। तो ये प्रोग्राम था आपका फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। अब अपने एक बात है प्रोग्राम इसमें क्या होगा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है कि जब आप फंक्शन डिक्लेयर करते हो तो फंक्शन डिक्लेयर करते समय ही वेरिएबल का मान डिफाइन कर देते हो, मतलब वेरिएबल का मान आप पहले ही दे देते हो, उसको क्या बोला जाएगा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर जब आप पैरामीटर का मान देते हो तो वो मान कहां से लेगा लेफ्ट टू राइट, कैसे लेगा लेफ्ट टू राइट, जैसे बताता हूं मैं आपको, पहले एग्जांपल लेते हैं क्या एग्जांपल होगा इसका डिफॉल्ट आर्गुमेंट का, जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया इंट ऐड नाम का, सपोज कीजिए ऐड नाम का आपका क्या है एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप क्या है इंटीजर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ उसका डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज कर रहा हूँ, डिफॉल्ट आर्गुमेंट मतलब क्या हो गया, मैं लिख दिया इंट ए बराबर 10 कॉमा इंट बी बराबर 20 कॉमा इंट सी बराबर 30। मतलब मैंने क्या किया कि मैं जब फंक्शन को डिक्लेयर किया तो उसके आर्ग्यूमेंट के साथ ही मैंने उसका मान भी क्या कर दिया डिक्लेयर कर दिया, तो इसके मान को क्या बोला जाएगा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, मतलब जब ये फंक्शन बना है तो अपने मान के साथ ही बना है। इस फंक्शन को या जब सॉरी आर्ग्यूमेंट फंक्शन को जब भी आप डिक्लेयर करोगे वो कहाँ से होगा आपका लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, मतलब मैं इस प्रकार से नहीं कर सकता जैसे मैं इंट ए बराबर 10 इंट बी बराबर 20 और मैं यहाँ पर इंट सी, मैं ये नहीं कर सकता, ये क्या होगा आपका गलत होगा। गलत क्यों होगा कि जब भी आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन को डिक्लेयर करोगे तो आपका लेफ्ट साइड से मान आपका डिक्लेयर होना जरूरी है, मतलब इसमें आपका मान होना जरूरी है तभी आपका ये आगे सही माना जाएगा, नहीं तो क्या इसको कंपाइलर गलत मानेगा, आपका आंसर आपको नहीं मिलेगा, आपको क्या देगा एरर देगा। आप इस प्रकार से भी नहीं कर सकते जैसे मान लीजिए इंट ए बराबर 10 कॉमा इंट बी बराबर मैंने इस्तेमाल उसको कुछ नहीं दिया मैंने, और मैंने यहाँ पर दिया इंट सी, तो मैंने यहाँ पर भी मतलब मैंने दोनों मान नहीं दिया है और इसमें मान दिया तो भी आपका क्या ये गलत है। कुल मिला के क्या है कि आपका लेफ्ट साइड मान होना चाहिए, आप ये कर सकते हो इंट ए बराबर सॉरी इंट ए कर दिया मैंने मान लीजिए और इंट बी कर दिया और मैंने इंट सी बराबर 10 कर दिया, ये आपका सही है क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड से मैंने इसमें डिफॉल्ट आर्गुमेंट दिया है, सी में मैंने मान दिया लेकिन बी और ए में मैंने मान नहीं दिया, तो ये आपका सही है। तो ये क्या कुछ तरीके हैं जिसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट को डिक्लेयर करने के। अब क्या करते हैं इसको अपने एक प्रोग्राम की सहायता से समझते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। मैंने लिखा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग
डॉट एच या आपकी हेडर फाइल हो गई, एक हेडर फाइल को लगाते हैं हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। ये मैंने क्या दो मैंने हेडर फाइल मैंने लगा दी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैं लिख दिया इंट एड, फंक्शन नाम क्या मान लीजिए एड है, और उसका रिटर्न टाइप क्या है इंटीजर प्रकार का, मतलब ये इंटीजर प्रकार का मान क्या करेगा रिटर्न करेगा। और मैंने लिख दिया यहाँ पर इंट ए बराबर 10 कॉमा इंट बी बराबर 20 कॉमा इंट सी बराबर 30। मैंने यहाँ पर जो फॉर्मल पैरामीटर है आपका उसके अंदर मैंने डिफॉल्ट मान मैंने दे दिया है, मतलब ए में कितना मान है 10 है, बी में कितना है 20 है, और सी में कितना है 30 है। मैंने ये फंक्शन डिक्लेयर करते समय ही मैंने इसका मान डिक्लेयर कर दिया, तो उसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब क्या करेंगे कि इस फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, मान अपने रिटर्न कर रहे हैं। इस फंक्शन में क्या करना है अपने को, रिटर्न करना है, तो रिटर्न आर ई टी यू आर एन रिटर्न, क्या लिख दिया मैंने, आप चाहो तो ए प्लस बी प्लस सी भी कर सकते हो, आप चाहो तो क्या कर सकते हो 10 प्लस 20 प्लस 30 भी कर लिख सकते हो, मतलब आप दोनों तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे मैं लिख दिया मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, मतलब क्या होगा जब ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो इन तीनों का मान जोड़ के क्या करेगा, वो वैल्यू रिटर्न आपकी वो करेगा। ये आपका फंक्शन यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। मैंने यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर किया और डिफाइन भी कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेन फंक्शन लिखता हूँ, मैं लिखता मैन इंट मैन, इंट मैन, यह आपका मैन फंक्शन शुरू हो गया। अब मैं इस फंक्शन में क्या करूंगा, मैं केवल इस फंक्शन के अंदर आपका आउटपुट देखूंगा, क्या देखूंगा, मैं केवल फंक्शन का मैं देखूंगा केवल आउटपुट देखूंगा। तो क्या आउटपुट होगा आपका, मैं लिख दिया मैंने सी आउट, क्या लिख दिया मैंने इस फंक्शन का नाम, सॉरी इस फंक्शन का नाम ही मैं क्या कहता हूं यहां पर मैं एड। मैंने इस फंक्शन को आउटपुट ग्रुप में मैंने क्या किया, मैंने देख लिया। मैंने इसमें मान क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसका मान क्या है डिफॉल्ट है, पहले से इस समय क्या है मान आपका दिया हुआ है, तो इसको मान देने की मुझे आवश्यकता पड़ी नहीं, और ना यूजर से भी मान मुझे इनपुट लेने की आवश्यकता पड़ी। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, पहले ही मान क्या कर रखा है डिफाइन कर रखा है मैंने कि ए में कितना है 10 है, बी में कितना है 20 है, और सी में कितना है 30 है, इसलिए मैंने कोई वैल्यू इसको मैंने दे नहीं। और मैंने सी आउट में क्या कर रहा हूँ, सीधे फंक्शन को ही मैं क्या कर रहा हूँ कॉल कर ले रहा हूँ। एक नया तरीका है सी आउट, और फंक्शन को मैंने यहां पे क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर रिटर्न, रिटर्न बराबर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी रिटर्न जीरो, और आपका गेट सी एच, और ये आपका प्रोग्राम खत्म। इसको एक बार दोबारा देख लीजिए कि मैं अभी बता रहा हूं आपको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो मैंने यहां पर दो हेडर फाइल ली है, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है ऐड है, और उसका रिटर्न टाइप क्या है आपका इंटीजर प्रकार का है, और इसमें मैंने जो पैरामीटर लिया है इंट ए इंट बी और इंट सी, तीन पैरामीटर लिया मैंने, उसमें मैंने क्या कर दिया पहले ही वैल्यू आपकी दे दी है, मतलब पैरामीटर को डिक्लेयर करते समय मैंने मान इसमें दे दिया। तो अब ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन, मतलब फंक्शन को डिक्लेयर करते समय मान दे देना। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर, मैं फंक्शन को के अंदर केवल वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मान पहले दे रखा है, तो मुझे यूजर से मान लेने की आवश्यकता है ही नहीं, इसलिए मैंने कोई मान लिया भी नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे वैल्यू को क्या कर रहा हूँ रिटर्न कर रहा हूँ, क्या रिटर्न कर रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी, मतलब जब ये मान रिटर्न करे फंक्शन तो ए का मान बी का मान और सी का मान क्या हो जाए जुड़ जाए, और जुड़ने के साथ में क्या होगा बाल आपका जो मान आपका क्या हो जाएगा रिटर्न हो जाएगा। अब मैंने इंट मैन फंक्शन बनाया, और मैं क्या कर रहा हूँ इसका मान इसके आउटपुट को देख रहा हूँ, मैं लिखा सी आउट, सी आउट के अंदर क्या किया मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया, मैंने लिख दिया एड, इस एड फंक्शन में जो भी मान आपका हुआ है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 20 30 30 60, मतलब आपका कितना आंसर दिखा देगा ये 60 आंसर दिखा देगा। तो ये था आज का टॉपिक, इसमें मैंने आपको दो बताए, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, और दूसरा था आपका फंक्शन, सॉरी फंक्शन था जो आपका क्या था डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ में था।
तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।